मॉडल एंड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला ने अपने ऐप का लॉन्च किया। मुंबई में अपने ऐप के लॉन्च के दौरान उर्वशी कुछ इस अंदाज में दिखाई दी। लॉन्च के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उर्वशी ने बताया कि इस ऐप में क्या खास होने वाला है। एक करेक्ट टाइम होता है जब आप एक बिकॉज आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से करें। देर इज़ नो पॉइंट कि एक मैं ऐप क्रिएट कर लूँ उसके बाद आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट टू माई फैंस। हम जो भी हम सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक मी एज़ वेल, हम जो भी होते हैं सब अपने फैंस की वजह से होते हैं। तो अगर ये ऐप मैंने बनाया है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाए, वो एक और करीबी तरीके से और पास में आ जाएं और दे गेट टू सी द स्नीक पीक ऑफ माय लाइफ। किस तरीके की तस्वीरें एंड वीडियो उर्वशी यहां शेयर करेंगी इसका जिक्र भी उन्होंने किया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई हैव एंड व्हाट ऑल काइंड ऑफ वर्कआउट्स आई डू, व्हाट ऑल काइंड ऑफ डाइट्स आई फॉलो और जो भी मेरे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब वो जानना चाहते हैं। सो आई फील कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से ये सोच समझ के बनाया गया है। उर्वशी से जब आईफा अवार्ड के दौरान कंगना रनौत का मजाक उड़ाए जाने के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया, लाइक आई थिंक वो गलत बात है ऐसे, बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। वेल, बहुत सारे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के ऐप लॉन्च के बाद उर्वशी का भी ऐप लॉन्च हो चुका है और देखना बेहद खास होगा कि इस ऐप लॉन्च के बाद वो कौन कौन सी फिल्में आने वाले दिनों में करती हैं।